तो ये है जी खरदुंगला की बर्फ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज हम लेह से निकल रहे हैं नुब्रा जाने के लिए। बीच में खरदुंगला पास आएगा, थोड़ा चैलेंजिंग रोड है ऐसा सुना है, बट विथ अमेजिंग लैंडस्केप्स एंड रोड्स फिल्ड विथ आइस, नॉट फिल्ड विथ आइस मींस आजू बाजू में बहुत बर्फ देखने को मिलेगी। गाड़ी पूरी पैक हो चुकी है और हम रुके थे होटल लद्दाख विला में। अमेजिंग होटल, बजट फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली स्टाफ एंड वेरी सपोर्टिव। आपको जो चाहिए खाने को मिल सकता है, बना के देंगे स्पेशली, और खासियत यह है कि वो हर चीज़ फ्रेश बनाते हैं, पहले से बना हुआ कुछ नहीं होता है। तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड लद्दाख विला फॉर योर स्टे इन लेह। विल कैच अप एट खरदुंगला पास नाउ। तो ये है जी खरदुंगला की बर्फ। ये बर्फ खरदुंगला पास के पास है। ये है पीक, लोग थोड़ा ऊपर भी चढ़ते हैं, हम नहीं जाएंगे भाई। And this is the milestone which reads 17,982 feet of altitude. तो जैसे कि मैंने सबेरे आपको बताया था, वी लेफ्ट लेह अराउंड 11:30 AM और खरदुंगला पास क्रॉस करते हुए हम जा रहे थे नुब्रा की तरफ। बट समहाउ नुब्रा के लिए जो एक फील आया, वो फील ऐसा था कि वो कैंप साइट और वो सब के लिए बहुत प्रोमिनेंट है एंड इट्स अ वैली बेसिकली, और करंट समर्स में ज़्यादा कुछ वहाँ पे मिलेगा नहीं दिखने को। और दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे कि साइट सीइंग के पॉइंट्स, तो वो सारे दिस्कित और उस तरफ ज़्यादा है एंड थिंग्स आर फॉर्मिंग लाइक ऑलमोस्ट टू आवर्स ऑफ ट्रैवल। तो हमने सोचा यार कि रात वहाँ पे रुको, फिर वापस दिस्कित के लिए साइट सीइंग के लिए आओ और वहाँ पे वापस रात को सोने जाओ और दूसरे दिन पनोंग ट्रैवल करो। सो इट्स बेटर दैट वी डोंट स्टे एट नुब्रा, इंस्टेड वी डायरेक्टली ट्रैवल टू दिस्कित एंड स्टे अप समवेयर नियर बाई, ताकि क्या होगा कि एक ही रूट पे हमारा साइट सीइंग और स्टे मैनेज हो जाएगा और सीधा वही रूट से हम सीधा पेनोंग के लिए, पंगोंग लेक के लिए निकल सकेंगे। सिनिक ब्यूटी इज अमेजिंग, माउंटेन्स, वैलीज, ब्लू स्काई, क्लाउड्स, अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड द ड्राइव इज ऑल्सो बीन अ प्लेजरेबल ड्राइव। खरदुंगला वॉज ऑल टुगेदर अ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस, कंसिडरिंग वहाँ पे हम लोग जब पास हो रहे थे तो ऑलमोस्ट 3-4 degrees temperature हो गया था,
और ऑक्सीजन की कमी हमें तो महसूस हो ही रही थी, साथ में कार को भी महसूस हो रही थी, बिकॉज कार वॉज लूजिंग पावर ट्रेमेंडसली एंड ग्रे स्मोक निकल रहा था एग्जॉस्ट में से, विच मीन्स दैट इनकम्प्लीट कम्बशन इज हैपनिंग इन द इंजिन, जिसकी वजह से डीजल की भी एक शार्प स्मेल आना चालू हो गई थी। बट अगेन थिंग्स आर फाइन, जैसे ही हम लोगों ने डाउनहिल आए और टेम्परेचर भी वापस 27-28 के आसपास आ गया है, अभी चल रहा है 27 डिग्रीज टेम्परेचर, सो थिंग्स आर लुकिंग गुड एंड स्टेबल, द कार इज ऑल्सो फंक्शनिंग वेरी नाइसली नाउ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो हम हैं हुंडर विलेज नुब्रा वैली में, कल रात को यहाँ पे पहुँचे थे, अमेजिंग प्लेस, वैली का लुफ्त उठाने के लिए बेहतरीन जगह, रिवर राफ्टिंग वगैरह भी होता है बट हम नहीं करने वाले हैं, हम आज थोड़ा ईज आउट रहने वाले हैं क्योंकि कल वापस हमें पेंगोंग ट्रैवल करना है। हुंडर में हमें बहुत बढ़िया एक होटल मिला, होटल का नाम है डुमरा और इट्स एन अमेजिंग प्लेस, प्योर वेज और रूम्स आर वेरी स्पेशियस, वेरी क्लीन, हाइजीनिक। द ब्यूटी इज़ उनका खुद का फार्म है, फार्म में से ही वो लोग वेजिटेबल्स चुनते हैं और उसी से फ्रेश खाना पकाते हैं, नथिंग इज प्री कुक्ड। दिस इज़ द प्रॉपर्टी, दे हैव अ ह्यूज पार्किंग एज वेल, बहुत बढ़िया पार्किंग है, 15-17 गाड़ी आराम से रुक सकती है। ये मेन प्रॉपर्टी है, दिस इज देयर फार्मिंग, ऑलमोस्ट 25% स्पेस में ही उन्होंने होटल बनाया है, वरना इट्स ऑल फार्म्स ओवर हियर, और यहीं पे फ्रेश वेजिटेबल्स पकाते हैं, कुछ फ्रूट्स पकाते हैं, बट यहाँ पे वो लोग जो पकाते हैं वो बेचते नहीं हैं मार्केट में, इट इज़ फॉर सेल्फ कंजम्पशन ओनली, और विंटर्स के लिए भी वो लोग यहीं से जो भी हार्वेस्ट करते हैं वो स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि विंटर्स आर रियली डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग इन लद्दाख। दिस इज़ द होटल कैंपस, ये रेस्टोरेंट एरिया है, डाइनिंग एरिया बोल सकते हैं आप, रेस्टोरेंट तो नहीं है ये, यहाँ पे वो लोग मूली, शलगम, लहसुन, काफ़ी कुछ चीज़ें फार्म करते हैं। फ्रंट जो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा होटल है, और बैक पोर्शन जो है ये उनके खुद के रहने की जगह है, खुद का घर ही बोल सकते हैं ये उनका। So we have reached the highest peak where a Buddha statue is built, and it is in Biscuit Village in Nubra Valley.